धर्म कहीं कोई नीत नहीं, ये नौटंकी फैलाते हैं, भाई नौटंकी फैलाते हैं, जनता को गुमराह करके ये अपना काम बनाते हैं, भाई अपना काम बनाते हैं, तो भैया रे। नमस्कार, मैं शीलेंद्र कुमार डिमांडिंग अहिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं यहां खेतों में। ये खेत हैं मुहिद्दीनपुर, कंचनगढ़ी, बादामपुर, कई सारे गांवों की सीमा पर ये खेत पड़ते हैं। तो यहीं पर हम आए हैं और यहां बहुत से किसान भाई बैठे हुए हैं, तो इनसे हम इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये इस बार किसे चुनेंगे, इनका मूड क्या कहता है, इस बार सत्ता में कौन सी सरकार आने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम क्या सर आपका? प्रवीण कुमार। अच्छा सर, तो इस बार किसे वोट दे रहे हैं? सपा साइकिल को। अच्छा, साइकिल को इस बार वोट क्यों दे रहे हैं? अरे साइकिल को इसलिए दे रहे हैं, यहाँ साठ सब खेती खाए जा रहे हैं हमारी, और हमारा यहाँ बी एड का छात्र हूँ मैं, और मेरा यानी कि टेट का परीक्षा बहुत अच्छा पेपर था, पेपर पास हो जाता है, इस बार इतना हार्ड पेपर आया और पिछले वाला पेपर आउट कर दिया इन्होंने, ऊपर से ही आउट होता हुआ था, और इनकी सोची समझी चाल थी ये पेपर आउट करने में, छात्रों को यानी कि नौकरी करनी पड़े। वो तो कहते हैं कि हमने कई सारे रोजगार दिए, 4 से 5 लाख रोजगार अब तक दे चुके हैं, इसमें कितनी सच्चाई? अरे वो सब फेंकू हैं, कागजों में कुछ नहीं है वो। अच्छा सर, और क्या क्या समस्याएं यहाँ पे? किसान सुखी है, ये कहते हैं कि हमने राशन दे दिया, 2000 रुपए किसानों के खाते में दे रहे हैं। कुछ नहीं है, राशन भाषण तो केवल आदमी को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। और देखो ये अपनी DAP 45 किलो की हो गई, रेट भी बढ़ गए, और यूरिया ये सब बर्बाद ही कर दिया किसान को, बर्बाद कर दिया किसान की, दोगुनी नहीं आधी गुनी भी चौथाई की रह गई है। किसानों की समस्या ही है, और गाय है और ये सांड है वगैरह खेती को खाए जा रहे हैं, अब खेतों में बाल निकलने वाली है, उस वक्त ये क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर खाए जा रहे हैं सबको, दिनों रात रखा रहे हैं किसान यहाँ पर खेतों पर। अच्छा सर, ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, तो ये क्या मामला? अरे ये तो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, और है कुछ नहीं इनके पास, केवल धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं, काम फाम कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही कुछ है। मतलब जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया है, सिर्फ कागजी दिखावा है इनका, बाकी कुछ नहीं है। इस बार सत्ता में कौन सी सरकार आने वाली? अरे सपा आ रही है, अखिलेश भैया जी आ रहे हैं करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। हाँ, तो इसी कड़ी में हम आगे बात करने वाले हैं, ये दूसरे भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नाम क्या आपका? नाम जगबीर सिंह है। अच्छा, वोट किसे दे रहे हैं इस बार? वोट अखिलेश भैया को दे रहे हैं। अखिलेश भैया क्यों दे रहे हैं, बीजेपी से खुश नहीं है? बीजेपी से खुश तो इसलिए नहीं है कि जहाँ पर खेतों पर पड़े हुए हैं, गाँव से 3 किलोमीटर दूरी पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या करें, मटर कर रखी है, आलू कर रखे हैं, सड़ आते हैं खा जाते हैं, मटर खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, सारे दिन ठंड में और सारी रात पर यहाँ पर रखवाली करनी पड़ती है, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे, सपा को वोट देंगे इस बार। अच्छा, तो आपको लगता है कि सपा आ जाएगी तो सारे काम सही हो जाएंगे? हाँ, सपा आएगी तो सारे काम सही होंगे किसान के। इसके उपलक्ष्य में एक हमने गाना भी बनाया है, उस गाने को रिलीज करना चाहते हैं। मतलब ये जो किसानों की समस्याएं, तो आप उस गीत के माध्यम से, उस गाने के माध्यम से अपनी समस्याएं जनता के सामने शेयर करेंगे? गीत के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, इसीलिए बनाया है कि जनता, सारी जनता सारी ठंड में ठटरती रहती है सारी रात, वो गाने ही बनाते रहे, जागते हैं, इधर टॉर्च लगाओ उधर टॉर्च लगाओ, इधर से सांड आ गए तो उधर से लगा लो, इधर से आ गए उसमें मुसीबत निकालिए। तो दोस्तों, ये इन्होंने एक गाना लिखा है भाई साहब, तो आप इस गाने को जरूर देखें, क्योंकि ये प्रॉपर कोई गायक तो है नहीं, किसान है, और इनकी समस्याएं, अपनी समस्याओं को गीत के माध्यम से आपके सामने शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनके गाने को। जा रे हो योगी ने जुलम गुजारे, गुजारे हो योगी ने खाने बंद कराए, ठलुआ मवेशी घूम रही, भाई ठलुआ मवेशी घूम रही, आटो पैर हो रखवाली, तो वो खेती खाए रहे, भाई तो खेती खाए रहे, खाए रहे मेरे
भैया रे दिन गुजन रात नैन दिया अब जी कैसे जिए बिचारे हो योगी ने जुलम गुजारे गुजारे हो योगी ने जुलम गुजारे अब कैसे जिए बिचारे हो योगी ने जुलम गुजारे गुजारे हो योगी ने जुलम गुजारे योगी मोदी दोनों झूठा जिनकी चाल निराली है जिनकी चाल निराली है जिनकी चाल निराली है भोली भाली है जे जनता समझत नहीं बिचारी है भाई समझत नहीं बिचारी है अरे भैया रे लालच से जे रोका फेंके अब ले जाए वोट हमारे हो योगी ने जुलम गुजारे सरकार में भैया गरीब ज्यादा गरीब भय गरीब ज्यादा गरीब भय चारों ओरी भटकत डोले काम न कोई सफल भय काम न कोई सफल भय भैया रे पासा पलट दे सत्ता को तो बच जाए प्राण त्यारे हो योगी ने जुलम गुजारे गुजारे हो योगी ने जुलम गुजारे गुजारे हो योगी ने जुलम गुजारे गुजारे हो योगी ने जुलम गुजारे धर्म कहीं कोई नीत नहीं ये नौटंकी फैलाते हैं भाई नौटंकी फैलाते हैं जनता को गुमराह करके ये अपना काम बनाते हैं भाई अपना काम बनाते हैं तो भैया रे अखिलेश यादव सीएम बन जाए तो बच जाए प्राण हमारे हो योगी।